हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको मालूम है क्लास टेंथ का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का चैप्टर है ये कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड। इस चैप्टर के नोट्स को लेकर हमने वीडियोस की सीक्वेंस चलाई हुई है जिसमें से हम स्टार्टिंग के 4 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो पार्ट 5 है जिसमें हम फोकस करने वाले हैं एलोट्रॉप्स की जो थर्ड फॉर्म होती है, मतलब थर्ड एलोट्रॉप को, जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरेंस। देखिए स्टार्टिंग में तो है ना दो ही एलोट्रॉप सुनने में आते थे, डायमंड और ग्रेफाइट, उसको हम लास्ट वीडियोस में कवर कर चुके हैं और हर एक पार्ट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा। इन केस आपने कोई पार्ट नहीं देखा है किसी रीजन से तो आप उसको जरूर देखिएगा ताकि एक सीक्वेंस बन सके। बाकी आज की वीडियो में हम बकमिंस्टर फुलरेंस जो थर्ड एलोट्रॉप है उसको कंप्लीट समझेंगे, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया और इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हैं बकमिंस्टर फुलरेंस के। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक थर्ड एलोट्रॉप। सबसे पहले जो थर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का, मतलब फुलरेंस जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था और एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, फुलरेंस इज रिसेंटली प्रिपेयर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। देखिए शुरुआत में क्या है ना, सिर्फ दो ही एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में सुनने में आता था, डायमंड एंड ग्रेफाइट। लेकिन कुछ ही समय बाद क्या हुआ, एक थर्ड फॉर्म को भी ऐड किया गया जिसका नाम था फुलरेंस। हो सकता है आपने किसी बुक में पूरा नाम इसका बकमिंस्टर फुलरेंस के नाम से देखा हो। ठीक है, बातें की है तो फुलरेंस क्या है, रिसेंटली प्रिपेयर्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। दीज वर फॉर्म्ड बाय, इसको कैसे किसके द्वारा तैयार किया गया था, बाय एच डब्ल्यू क्रोटो स्मैली एंड रॉबर्ट। तो एच डब्ल्यू क्रोटो स्मैली एंड रॉबर्ट ये वो तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्शन ऑफ लेज़र बीम, कैसे तैयार किया इसको, एक्शन ऑफ लेज़र बीम ऑन अ सैम्पल ऑफ ग्रेफाइट इन वेपर स्टेट। ग्रेफाइट को पहले वेपर स्टेट में लिया, ग्रेफाइट की उस वेपर स्टेट से लेज़र बीम को जब पास आउट किया तो क्या देखा गया कि एक तीसरी फॉर्म भी पॉसिबल है कार्बन की और जिसका नाम दिया गया फुलरेंस। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 60 कार्बन एटम। ये 60 कार्बन एटम का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करनी होती है फुलरेंस की जब आपसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है ये फुलरेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर डिस्कस करते हैं यूजेस को, क्योंकि ये भी क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यूजेस पूछ लिए जाते हैं फुलरेंस के। तो यूजेस ऑफ फुलरेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। नंबर फर्स्ट, फुलरेंस इन स्मॉल अमाउंट कैन कैटलाइज द फोटोकेमिकल रिफाइनिंग इन इंडस्ट्रीज। देखिए फुलरेंस को जब आप स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, कैटलाइज कर देता है, मतलब रिएक्शन की रेट को बढ़ावा देता है फोटोकेमिकल रिफाइनिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा एज अ कैटलिस्ट की तरह से ये काम आ रहा है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, या कैटलाइज करने का मतलब क्या है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाने वाले, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि भाई ये कैटलिस्ट है। तो फुलरेंस एज अ कैटलाइज करने का काम करता है स्मॉल अमाउंट में जब इसे यूज़ किया जाता है फोटोकेमिकल रिफाइनिंग में, जो काम कर भी रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सेकंड, फुलरेंस हेल्प इन इम्प्रूविंग द एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। देखिए लुब्रिकेशन का मतलब होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाले, और ऑयल जब भी हम बात करते हैं ना लुब्रिकेशन की तो वहाँ पे ऑयल का नाम सबसे पहले आता है। तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उनकी जो प्रॉपर्टी है फ्रिक्शन को कम करने की, मतलब एंटी फ्रिक्शन की तरह से काम आने की, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को और बढ़ा देता है। ठीक है, तो फुलरेंस हेल्प इन इम्प्रूविंग, फुलरेंस क्या करता है, मदद करता है इन इम्प्रूव करने में एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। तो जब आप लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में फुलरेंस वाले मटेरियल का यूज़ किया करते हैं तो उससे होता क्या है, लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग जो ऑयल्स होते हैं उनकी एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, फ्रिक्शन को और रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड, इन प्योर स्टेट फुलरेंस एक्ट एज अ इंसुलेटर बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेमीकंडक्टर। ठीक, प्योर स्टेट में जब होते हैं फुलरेंस तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं एज अ इंसुलेटर। ठीक, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सेमीकंडक्टर।
क्लियर। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई फलरेंस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फलरेंस के बारे में सबसे पहले बताया, कितने कार्बन का ये अरेंजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हमने जो तीन इंपॉर्टेंट यूजेस समझे हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।